आजकल के दौर में कोई किसी को कुछ नहीं देता है, जो करना है खुद करना है। कोई लोग चार लोग बातें करते हैं कि ये ख्वातीन है, ये यूं बाजार में खड़ी हैं, वो हमें खाने को नहीं देते। कोई ये नहीं बोले कि बाप नहीं था इनके सर पे तो इनकी माँ पढ़ा नहीं सकी। घर के जो ओनर थे उन्होंने कहा कि आप घर खाली कर दें, और शॉप के ओनर थे उन्होंने भी कहा कि आप शॉप भी खाली कर दें। आप मेरे हस्बैंड की टेलर की शॉप थी, पैरालाइज हो गए थे वो, उसके बाद फिर उनको हार्ट अटैक हो गया तो इंतकाल हो गया उनका। उसके बाद यानी उनका सोयम जब था, सोयम के बाद से मैंने शॉप यानी खुद संभाली। सबने मुझे ऑप्शन दिया कि आप अपनी अम्मी अब्बू के घर चली जाएं, बच्चे छोटे हैं, आप अकेली कैसे रहेंगी। तो मैंने यही सोचा कि मैं किसी के सर पर बोझ नहीं बनूँ। कुछ इस तरह की परेशानियाँ आ गई कि घर के जो ओनर थे उन्होंने कहा कि आप घर खाली कर दें, और शॉप के ओनर थे उन्होंने भी कहा कि आप शॉप भी खाली कर दें। आप मैं बहुत परेशान थी। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं किसी के सर पे बोझ बनूं, तो मैंने ये स्टैंड खुद लिया कि मैं अपने बच्चों को पालूं और शॉप चलाऊं। अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया कि सारे मामलात अच्छे से हो गए, और अब अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं मेरे, और शॉप का भी खर्चा चलता है और घर का भी खर्चा चलाती हूँ। सुबह यानी इनको स्कूल छोड़ती हूँ, 8 बजे स्कूल छोड़ के आके घर का काम वगैरह निपटाती हूँ, फिर 11 बजे जाके शॉप खोलती हूँ। मैंने यही सोचा कि फिर मैं खुद यानी जब मुझे भी काम आता है तो मैं खुद ही यानी संभालूँ शॉप। तो अल्लाह का शुक्र है उनके सोयम के बाद से यानी शॉप पे हूँ मैं। वर्कर हैं, मास्टर है, सिर्फ पब्लिक डीलिंग मैं करती हूँ और सिलाई भी करती हूँ मैं, मगर ज़्यादा काम यानी मास्टर और कारीगर ही करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि रिस्पॉन्स अच्छा है, अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया। माशाल्लाह 3 साल हो गए मैं अपने बच्चों की यानी जिम्मेदारी जो है अच्छे से निभा रही हूँ, और ये है कि घर का खर्चा और शॉप का खर्चा और बच्चों का खर्चा अल्लाह ताला ने बेहतर ही किया है। अब मैं यही चाहती हूँ कि पढ़ लिख के बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। कोई ये नहीं बोले कि बाप नहीं था इनके सर पे तो इनकी माँ पढ़ा नहीं सकी, और इनको मैं कमी महसूस होने नहीं देती हूँ कि इनके अब्बू नहीं हैं। मैं बाकी सारी ख्वातीन को पैगाम देना चाहती हूँ ये कि अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं, हम कमा के खा सकते हैं। आप अपने अंदर एतमाद पैदा करें, घर से निकलें, कमाएं। कोई कुछ नहीं, आजकल के दौर में कोई किसी को कुछ नहीं देता है, जो करना है खुद करना है। और अल्लाह का शुक्र है 3 साल से मैं भी कर रही हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं आज तक मैंने मांगा कि मुझे ज़रूरत है। जितना भी होता है अल्लाह का शुक्र करती हूँ और अपने बच्चों के साथ रहती हूँ अपने घर पर।